इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 के सिविक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट को, जिसका नाम है ऑन इक्वालिटी, और यह वीडियो नंबर सेकंड इस चैप्टर का। इसके पहले एक वीडियो किया मैंने इस चैप्टर के ऊपर, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, जहां पर पिछले वीडियो का लिंक है और साथ ही प्लेलिस्ट का लिंक है, जिससे आप इस चैप्टर के दोनों वीडियोज देख सकते हैं, ये वाला वीडियो भी और पिछला वीडियो भी। तो देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में और पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे और जो अंसारी थे, उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया गया था उनके कास्ट और उनके धर्म के आधार पर। और इस टॉपिक में हम, यानी कि रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी जो है, इसमें हम देखेंगे कि जो डिग्निटी है वो किसी भी व्यक्ति के लिए क्यों जरूरी है, उसके साथ इक्वल ट्रीटमेंट क्यों होना चाहिए, इस चीज को यहां पर हम समझने वाले हैं। तो देखिए, पिछले टॉपिक को पढ़ के आप ये समझ गए होंगे कि जिस कास्ट में आप बिलोंग करते हैं, या फिर जो रिलीजन आप प्रैक्टिस करते हैं, या फिर आपका जो क्लास बैकग्राउंड कैसा है, या फिर आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं, ये सभी चीजें ऐसी हैं, ये सभी चीजें डिटरमाइन करती हैं कि आपके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा या फिर अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। और जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे और जो अंसारी थे, उनको अनइक्वल ट्रीटमेंट इसीलिए दिया गया क्योंकि उनका जो कास्ट और रिलीजन था वो अलग था, वो कास्ट और रिलीजन के आधार पर उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया गया था। तो देखिए, यहां पर आगे जब बात आती है डिग्निटी की, तो डिग्निटी में यह चीज समझना जरूरी है कि जब भी किसी व्यक्ति के साथ हम अनइक्वल ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि उसको बराबर का दर्जा नहीं देते हैं, तो उस व्यक्ति की डिग्निटी को हम वायलेट करते हैं, उस व्यक्ति की डिग्निटी को हम ठोस पहुंचाते हैं। तो इसी तरीके से जब ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं किया गया, जिस तरीके से उनके साथ ट्रीटमेंट किया गया, तो वैसा ट्रीटमेंट करके लोगों ने उनके, यानी इन दोनों के डिग्निटी को वायलेट किया, ठेस पहुंचाया। और जब ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ को जानबूझकर परेशान किया गया, उनसे स्कूल साफ करवाया गया उनके कास्ट की वजह से, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के जो क्लासमेट थे और जो टीचर्स थे, उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि के डिग्निटी को काफी बुरी तरीके से प्रभावित किया, उसको काफी बुरी तरीके से ठेस पहुंचाया, और ओम प्रकाश वाल्मीकि को यह फील करने पर मजबूर किया कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है वो दूसरे स्टूडेंट से नीचे लेवल पर है, नीचे दर्जे पर है, वो इक्वल नहीं है। और इसी तरीके से जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे, वो इस बात के ऊपर कुछ ज्यादा कर नहीं सकते थे क्योंकि वो काफी छोटे बच्चे थे उस समय में जब उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जा रहा था। और जब उनके फादर ने इस चीज को देखा, अपने बच्चे को स्कूल साफ करते हुए देखा, तो वो काफी एंग्री हुए और टीचर के साथ जाकर उन्होंने काफी कन्फ्रंट किया। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ जो अनइक्वल ट्रीटमेंट किया गया, उसने ओम प्रकाश वाल्मीकि के डिग्निटी को काफी बुरी तरीके से प्रभावित किया। तो इसी तरीके से अगर हम अंसारी का एग्जाम्पल देखें, तो वहां पर भी उनके डिग्निटी को काफी प्रभावित किया गया जब लोगों ने उनको अपार्टमेंट भाड़े पर देने से मना कर दिया। लेकिन जब प्रॉपर्टी डीलर ने यह कहा कि आप अपना नाम चेंज कर ले, आप अपना टाइटल चेंज कर ले, आप खुद को मिस्टर कुमार एंड मिसेस कुमार कहने लगे, तो अंसारी ने अपने डिग्निटी की वजह से ही, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से ही उस सजेशन को मानने से इनकार कर दिया और खुद को मिस्टर एंड मिसेस कुमार कहने से इनकार कर दिया। और जो ओम प्रकाश और जो अंसारी थे, उनको ऐसा ट्रीटमेंट, यानी कि अनइक्वल ट्रीटमेंट, वो डिजर्व नहीं करते हैं। उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए या फिर उनको बराबर रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, बराबर डिग्निटी मिलनी चाहिए, जैसा कि सभी लोगों को मिलता है। तो ये चीज काफी जरूरी है ताकि जो लोग हैं, कोई भी व्यक्ति है, उनके डिग्निटी को ठेस ना पहुंचे, उनको बराबर का दर्जा दिया जाए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा आ जाता है अगला टॉपिक, जो कि है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, यानी जो हमारा इंडियन डेमोक्रेसी है वो किस तरीके से इक्वालिटी लाने की कोशिश करता है, या फिर इक्वालिटी के लिए हमारा जो गवर्नमेंट है या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या काम करता है। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट देता है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यह साफ लिखा गया है कि जितने भी सिटीजन है इंडिया के, वो सभी इक्वल होंगे, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करे, किसी भी कास्ट से बिलोंग करे, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो भी हो या फिर इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो भी हो, सभी लोग क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन इसका यह नहीं मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद हमारे देश में इनइक्वालिटी जो है वो खत्म हो चुकी है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हमारा इंडियन डेमोक्रेसी है और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें यह कानून है कि सभी लोगों को इक्वल का दर्जा दिया जाएगा, या फिर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट देने की बात कहता है। लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले की अगर हम स्थिति की बात करें, तो उस समय में ऐसा कोई भी कानून नहीं था जो कि लोगों को डिस्क्रिमिनेशन या फिर इल ट्रीटमेंट से बचा सके। यानी पहले कोई भी ऐसा कानून नहीं था जहां पर लिखा गया था कि सभी लोग बराबर हैं या फिर सभी लोगों को डिग्निटी या फिर इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो देखिए, जो हमारा इक्वालिटी का रिकॉग्नाइजेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कुछ खास प्रोविजंस पर आधारित है, कुछ खास चीजों पर आधारित है। पहला तो यह है कि सभी लोग जो हैं कानून के सामने बराबर हैं, यानी कि हमारे देश में चाहे प्रेसिडेंट हो या फिर कांता, जो कि एक डोमेस्टिक
वर्कर है या फिर कोई भी व्यक्ति हो, उसको सेम लॉ यानी कि बराबर कानून का बराबर सामना करना होता है। किसी भी व्यक्ति के लिए कोई खास कानून नहीं बनाया गया है। दूसरा यह है कि कोई भी व्यक्ति जो है उसको उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है उसके रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ या फिर फीमेल मेल किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। और तीसरा यह है कि सभी लोगों को एक्सेस है सभी पब्लिक प्लेसेस के ऊपर, यानी कि कोई किसी भी व्यक्ति को आप प्लेग्राउंड, होटल, शॉप या फिर मार्केट से जाने से नहीं रोक सकते हैं। इंडिया का कोई भी व्यक्ति सभी पब्लिक प्लेसेस पर जा सकता है, मार्केट में जा सकता है, होटल में जा सकता है, दुकानों में, प्लेग्राउंड में, सभी जगहों पर जा सकता है। और सभी व्यक्ति जो हैं वो सभी वेल्स या फिर रोड्स जो हैं सभी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। बाथिंग घाट यानी कि लोगों के साथ आप अनइक्वल ट्रीटमेंट किसी भी तरीके से फोर्स नहीं कर सकते। इसके बाद आपका चौथा आ जाता है, वो है ये है कि पहले देखिए जो अनटचेबिलिटी चलती थी, अछूत वाली बात चलती थी, अब ये कानून को हटा दिया गया है, यानी कि अब इसको एबोलिश कर दिया गया है, इसको गैर हम क्या कहते हैं उसको इलीगल बना दिया गया है, अनटचेबिलिटी को इलीगल बना दिया गया है अब हमारे देश में। तो इन चार चीज़ों के आधार पर जो हमारी गवर्नमेंट है या फिर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट देने की कोशिश करता है। इसके बाद हम दो तरीके से देखेंगे कि जो हमारा गवर्नमेंट है जो कि इक्वालिटी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है या फिर गारंटी करने की कोशिश करता है। पहला तो है कानून के जरिए और दूसरा है गवर्नमेंट प्रोग्राम के जरिए जो कि चलाई जाती है डिसएडवांटेज कम्युनिटी के लिए। तो देखिए बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं इंडिया में जिसके जरिए सभी लोगों के राइट को बचाने की कोशिश की जाती है या फिर कोशिश की जाती है कि उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए। और कानून के अलावा जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम भी चलाए हैं ताकि जो लोग हैं या फिर जो कम्युनिटी है जो कि जिनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट काफी सालों तक किया गया, सैकड़ों सालों तक किया गया, उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए। और ये जो स्कीम्स है ये इंश्योर करते हैं कि सभी लोगों के लिए ग्रेटर अपॉर्चुनिटी मिले जो कि पहले से उनके पास नहीं थी। और देखिए जो एक स्टेप है जो कि काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है वो है मिड डे मील स्कीम। यानी मिड डे मील स्कीम तो आप जानते ही होंगे कि स्कूल में बच्चों को खाना दिया जाता है। और इस मिड डे मील स्कीम में जो जितने भी गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल है वहां पर चिल्ड्रेन को पका हुआ खाना मिलता है। जो हमारा तमिलनाडु था वहां पर इस चीज को सबसे पहले लागू किया गया था और 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है वो इस स्कीम को अपने राज्य में अपने स्कूलों में लागू करें 6 महीने के अंदर। उसके बाद इस स्कीम को पूरे देश में लागू कर दिया गया। और ये जो स्कीम है इसका काफी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है। और इसका इफेक्ट ये पड़ा है कि देखिए जो गरीब बच्चे थे यानी जो गरीब बच्चे स्कूल में उनका रेगुलर अटेंडेंस नहीं होता था वो अब स्कूल आने लगे, वहां पर उनका ज्यादा इनरोलमेंट होने लगा, ज़्यादा एडमिशन होने लगा, ज़्यादा बच्चे स्कूल को अटेंड करने लगे। और इसके साथ ही जो टीचर्स है वो ये रिपोर्ट करते हैं कि जो चिल्ड्रेन है जो पहले जाते थे घर लंच के लिए यानी कि जब लंच होता था स्कूल का तो वो घर चले जाते थे और वहाँ से फिर खाने के बाद वो वापस आते ही नहीं थे स्कूल में। लेकिन जब से मिड डे मील स्कूल में दिया जाने लगा है तो लोग स्टूडेंट्स जो है उनका अटेंडेंस काफ़ी बढ़ गया है। और इसके साथ ही जो बच्चे हैं जो कि गरीब बच्चे हैं जिनकी माँ कहीं पर काम करती है या फिर किसी और चीज़ में व्यस्त रहती है उनको पहले अपना काम छोड़कर बच्चों को खाना खिलाना होता था लेकिन वो भी अब फ्री है क्योंकि बच्चों को स्कूल में ही खाना मिल जाता है। और ऐसा करना अब उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो अपना काम छोड़कर या फिर जो डेली वर्क वो करी उसको छोड़कर बच्चों के लिए वो खाना पकाएं। और देखिए ये जो चीज है इस चीज की वजह से जो कास्ट प्रिजुडिस है यानी कि पहले जो कास्ट सिस्टम की लोगों के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट होता था उसको भी काफी हद तक कम करने में मदद मिली है क्योंकि ये जो मिड डे मील स्कीम है मिड डे मील स्कीम में जो लोअर और अपर कास्ट के स्टूडेंट हैं वो इस मील को साथ में खाते हैं, एक ही जगह पर खाते हैं और इस तरीके से जो हमारा अनइक्वल ट्रीटमेंट है वो धीरे धीरे कम करने में ये चीज़ काफ़ी मदद कर रहा है। और इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर दलित महिलाओं को खाना पकाने के काम में लगाया गया है, जो दलित महिलाएं हैं वो खाना पकाती हैं। और इसके साथ ही जो मिड डे मील प्रोग्राम है उसने काफ़ी गरीब बच्चों के हंगर यानी उनके भूख को भी खत्म करने में मदद किया है क्योंकि देखिए जो भूखे बच्चे स्कूल में आते थे तो वो स्कूल में आते तो थे लेकिन उनका जो पेट है वो खाली रहता था क्योंकि वो काफ़ी गरीब होते थे और वो कंसंट्रेशन नहीं करने पाते थे, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते थे। और इस चीज़ को कम करने में भी मिड डे मील स्कीम ने काफ़ी ज़्यादा मदद किया है। तो देखिए यहाँ पर आगे बढ़े तो आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं उसने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी यानी बराबर का दर्जा इंक्रीज करने में काफ़ी मदद किया है लेकिन इसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा अभी करने की ज़रूरत है। देखिए जो मिड डे मील स्कीम है उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है इनरोलमेंट और अटेंडेंस बढ़ाने में गरीब बच्चों का लेकिन इसके अलावा अभी भी बहुत ज़्यादा अभी भी जो स्कूल हैं उनके बीच में डिफरेंस है यानी जहाँ पर अमीर बच्चे पढ़ते हैं वहाँ के स्कूल में और जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं जहाँ पर वहाँ के स्कूल में काफ़ी
ज़्यादा अंतर है। और अभी भी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं हमारे देश में जहाँ पर दलित चिल्ड्रेन हैं, जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि, उनके साथ अभी भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है या फिर अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है और इन बच्चों को अभी भी फोर्स किया जाता है अनइक्वल सिचुएशन में, जहाँ पर उनकी डिग्निटी को ठेस पहुँचाया जाता है या फिर डिग्निटी को रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो लोग हैं वो अभी भी उनको इक्वल मानने के लिए राजी नहीं है, जबकि जो हमारा कानून है इस चीज़ को फोर्स करता है उसके बावजूद भी। और देखिए उसका एक रीज़न ये है कि जो लोगों का एटीट्यूड है या फिर बिहेवियर है वो काफ़ी स्लोली चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन किसी को कुछ कहेंगे तो वो एक दिन में मानकर तैयार हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लेगा। लोगों का जो एटीट्यूड है वो काफ़ी धीरे धीरे चेंज होता है, बहुत ही स्लोली चेंज होता है। और इसके बावजूद कभी भी किसी भी पर्सन को ये पता है कि देखिए जो डिस्क्रिमिनेशन है वो लॉ के खिलाफ है, वो इलीगल है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग जो हैं वो दूसरे लोगों के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट करते हैं, उनके कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, डिसेबिलिटी के आधार पर, इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर और इसके अलावा महिला होने के आधार पर। और देखिए ये चीज़ तभी ठीक होगी जब लोग ये बिलीव करने लगेंगे कि कोई भी व्यक्ति इन्फीरियर नहीं है या फिर कोई भी व्यक्ति को अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए और सभी लोगों को डिग्निटी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके बाद ही जो लोग हैं वो उनके एटीट्यूड जाकर चेंज होंगे और इसके बाद जो हमारे जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करना डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, वो काफ़ी एक लंबा स्ट्रगल है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपने कोई कानून बना दिया, कुछ कर दिया तो आपका तुरंत इक्वालिटी इस्टेब्लिश हो जाएगी। और एक तरीके से जो इंडिविजुअल्स हैं या फिर जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में, उनको कंट्रीब्यूट करना होगा और एक तरीके से साथ मिलकर इस इक्वालिटी को लागू करवाना होगा या फिर इम्प्लीमेंट कराना होगा। और इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आगे हमारा आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी। तो देखिए अभी तक तो हमने जो देखा वहाँ पर हमने इंडिया की बात की, यानी इंडिया में जो इनइक्वालिटी है उसके बारे में बात की। अब हम देखने वाले हैं कि इंडिया के अलावा दूसरे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वहाँ पर इनइक्वालिटीज की क्या समस्या है, वहाँ पर किस तरीके से इनइक्वालिटी होती है। आप ये सोच ही रहे होंगे कि क्या इंडिया ही ऐसी कंट्री है जहाँ पर इनइक्वालिटी मौजूद है और जहाँ पर स्ट्रगल चल रहा है इक्वालिटी लाने के लिए, सभी लोगों को बराबर का दर्जा देने के लिए। तो सच ये है कि इंडिया के अलावा दूसरे भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है जहाँ पर लोगों के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है और वहाँ पर इक्वालिटी का जो इशू है वो अभी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है कम्युनिटीज स्ट्रगल में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अगर हम बात करें जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं जिनके पूर्वज वहां पर पहले स्लेव हुआ करते थे, वहां पर गुलाम हुआ करते थे, जिनको अफ्रीका से लाया गया था, उनको आज भी वो अपने लाइफ को अनइक्वल बताते हैं कि अभी भी उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है या फिर उनका लाइफ इक्वल नहीं है। और इसके बावजूद कि 1950s के आसपास अमेरिका में काफी इक्वल राइट के लिए मूवमेंट चला था, अफ्रीकन अमेरिकन के इक्वल ट्रीटमेंट के लिए मूवमेंट चला था, और इसके पहले यानी ये जो हमारा मूवमेंट हुआ था 1950 में, इसके पहले जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उनको काफी ज्यादा अनइक्वल ट्रीटमेंट के साथ काफ़ी अनइक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता था यूनाइटेड स्टेट में, और वहाँ पर कानून में भी ये चीज़ लिखा हुआ था कि उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। और देखिए वहाँ पर फॉर एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि अगर कोई अफ्रीकन अमेरिकन बस से जा रहा है तो उसको या तो बस में पीछे वाले सीट पर बैठना होता था या फिर कोई भी वाइट व्यक्ति अगर आ जाता है वो सीट पर बैठना चाहता है तो उस ब्लैक व्यक्ति को अपने सीट को छोड़ना होता था और दूसरे सीट पर बैठना होता था या फिर खड़े होना होता था। और इसमें एक इवेंट आया, रोजा पार्क नाम की एक महिला थी जो कि अफ्रीकन अमेरिकन थी, वो अपने काम से वापस आ रही थी और उससे एक व्यक्ति वाइट मैन ने 1 दिसंबर 1955 को कहा कि तुम अपनी सीट छोड़ो और उस महिला ने सीट छोड़ने से मना कर दिया और उसके रिफ्यूज़ल की वजह से आगे चलकर बहुत ही बड़ा एक मूवमेंट खड़ा हुआ। और इस मूवमेंट में जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं उनको उन्होंने एक तरीके से मूवमेंट चलाया कि उनके साथ भी इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए। और ये जो मूवमेंट था ये अमेरिका में सिविल राइट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है और जो सिविल राइट एक्ट 1964 पास हुआ इस मूवमेंट के पास, और जिसमें ये प्रोहिबिट किया गया या फिर कानून बनाया गया कि अब किसी भी व्यक्ति के साथ रेस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, नेशनल ओरिजिन के आधार पर, किसी भी आधार पर अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। और इसके साथ ये भी कहा गया कि जितने भी स्कूल हैं अमेरिका में वो सभी स्कूल अब अफ्रीकन अमेरिकन के लिए खोले जाएंगे और वहाँ पर किसी भी तरीके का सेपरेट स्कूल सेटअप नहीं किया जाएगा अफ्रीकन अमेरिकन के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी जो आज भी जो मेजोरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन
अफ्रीकन हैं वो अमेरिका में गरीब में से आते हैं, यानी सबसे ज़्यादा गरीब अफ्रीकन अमेरिकन ही हैं। और जो ज़्यादातर जो अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रेन हैं वो गवर्नमेंट स्कूल को अटेंड करना ही अफोर्ड कर सकते हैं, वो अच्छे स्कूल या फिर महंगे स्कूल में नहीं जा सकते हैं। और ये गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी कम फैसिलिटीज़ हैं या फिर जो टीचर की क्वालिफिकेशन है वो काफ़ी कम है जहाँ कंपेरिजन में जहाँ पर वाइट स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, यानी जहाँ पर वाइट स्टूडेंट पढ़ते हैं जो कि या तो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं या फिर ऐसे एरियाज में पढ़ते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, प्राइवेट स्कूल जैसी अच्छी है। तो इस तरीके से जो अमेरिका है वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा अनइक्वालिटी की समस्या है और दुनिया के दूसरे देशों में भी इस चीज़ की समस्या है। इसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखिए, किसी भी कंट्री को हम कंप्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते हैं और हमेशा ऐसा होता है कि जो कम्युनिटीज़ हैं और इंडिविजुअल्स हैं जो हमेशा अपने जो आइडिया है डेमोक्रेसी का उसको एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा इक्वालिटी की कोशिश कर रहे हैं और हमेशा नए इश्यूज़ को उठा रहे हैं। और इन सभी इश्यूज़ में जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू ये है कि देखिए, जो लोग हैं वो आज भी सभी लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट देने के लिए या फिर उनकी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। और इस बुक में आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो इक्वालिटी है वो हमारे डेली लाइफ के वेरियस एस्पेक्ट को प्रभावित करती है। और आगे जब आप इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो उसके बाद सोचिए कि क्या सभी लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है या फिर जो लोग हैं वो अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने पा रहे हैं, तो इस चीज़ के बारे में आगे आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है। मिलते हैं आपसे हम किसी और वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।